हरे कृष्ण। आज आप भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्यारी लीला श्रवण करेंगे। आप सब जानते हैं कि 26 अगस्त जन्माष्टमी है और 11 सितंबर राधाष्टमी है। राधाष्टमी तक आप मेरे प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करेंगे। आइए आज प्यारी लीला सुनते हैं। एक दिन एक गोपी यमुना तट पे पानी भरने गई। अपने ससुर जी को कहा कि बाबा, आप ये माखन की मटकी की देखभाल कीजिए और कहीं वो नंद का छोरा आ जाएगा और वो माखन लेके चला जाएगा, आप इसकी संभाल कीजिए, देखरेख कीजिए। बहुरानी, तू चिंता मत कर, मैं देखरेख करूँगा। कहा ठीक है। अभी आप रोज कृष्ण लीलाएं सुनेंगे। अब कृष्ण आए सखाओं के साथ। देखा बाबा जी ने क्या किया, उस मटकी की देखरेख के लिए स्वयं उस मटकी के नीचे खटिया बिछा के सो गए, ताकि कन्हैया चढ़ेंगे कैसे, सखा आएंगे भी तो चढ़ेंगे कैसे, तो स्वयं सो गए। और उन्होंने मटके के ऊपर जो ढक्कन था उसमें पानी भर के रख दिया। ससुर जी ने इतनी चलाकी की कि अगर कन्हैया चढ़ भी गया तो मटकी को हाथ लगाएगा तो मटकी हिलेगी और जो ऊपर ढक्कन में पानी है वो गिर जाएगा, है ना। अब वो बाबा जी सोए थे और ऊपर मटकी के ऊपर ढक्कन में पानी, कि काना किसी प्रकार की अगर माखन की चोरी करी भी तो वो पानी गिरेगा, मैं उठ जाऊंगा, जग जाऊंगा मैं, है ना। तो बड़ी एक प्लानिंग के साथ बाबा जी सोए थे। कन्हैया सखाओं के साथ आए, देखा बाबा जी सोए हुए हैं, पर जैसे तैसे चढ़ तो गए पर ढक्कन में पानी था। अब अगर मटकी को हाथ लगाएंगे तो काना ने कहा, सखाओं देखो यहाँ पूरी गड़बड़ है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हम यहाँ चोरी नहीं कर सकते, ढक्कन में पानी है, अगर हम इस मटकी को जरा भी टच भी करेंगे तो पानी नीचे गिरेगा, बाबा उड़ जाएंगे। तो सखाओं ने कहा, काना हमें भूख लगी है, कुछ तो करो। कहा ठीक है। कन्हैया ने एक सखा को भेजा, कहाँ पर, यमुना तट पे, और यमुना में बहुत सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। कहा कमल के फूल की एक डंडी तोड़कर आओ, कमल डंडी, वो तोड़कर लाओ। तो वो कैसी होती है, उस पर छेद होते हैं। तो वो सखा लेकर आया और भगवान ने सक करके पूरा वो जो ढक्कन का पानी था वो पी लिया, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक कैसे पीते हैं वो स्ट्रॉ लगा के, तो वो पी लिया पूरा। ठाकुर जी ने मटका का ढक्कन खोला और फिर मटका नीचे उतारा, माखन खाया भर भर के और मटका जोर से फोड़ दिया। बाबा उठे, पकड़ो 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 पकड़ो, और सारे सखा भाग गए। और बाबा वहीं सोचते बैठ गए कि मैंने इतनी प्लानिंग की, मेरी सारी योजना धरी की धरी रह गई। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ये लीला से क्या सीखना है कि याद रखना, हमें कृष्ण को भोग लगाना है, कृष्ण को भोग लगाना है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, जो बिना भोग लगा के खाते हैं वो पाप खाते हैं। आप जरूर घर में अच्छा भोजन बनाइए और कृष्ण को भोग लगा के फिर ग्रहण कीजिए। और आपको एक गुड न्यूज़ दूं, ये आपको ध्यान में रखनी है, 18 अगस्त से 24 अगस्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, दोपहर 3 से 6 बजे तक। YouTube चैनल दामोदर दास या Facebook पेज दामोदर दास, दोनों पे लाइव रहेगा। आप 18 तारीख से भागवत कथा श्रवण करना। हरे कृष्ण, धन्यवाद। रोज ऐसी कृष्ण लीला सुनते रहिए और डेली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग उठकर मेरे साथ जप कीजिए, कृष्ण लीला सुनिए, क्योंकि जन्माष्टमी नज़दीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।